तो चलिए बात करते हैं सीरियल उड़ारिया के बारे में, जहां सरब की नौकरी जा चुकी है और सरब बहुत हैरान और परेशान है कि आखिर उसने इतनी मेहनत की थी फिर भी उसके बॉस ने उसे क्यों निकाला। हानिया भी इधर परेशान है और हानिया इस बात का पता लगा रही है तो उसे पता चलता है कि भाई सरब तो एक बहुत अच्छा लड़का था। जी हाँ, जिस कंपनी में सरब काम करता था उसी कंपनी में हानिया जाती है, तब उसके बॉस बताते हैं कि मुझे उसे निकालने का बिल्कुल भी मन नहीं था, बहुत ईमानदार लड़का था और उसने कंपनी की सेल डबल कर दी थी। लेकिन मेहर गिल का फोन आया और उसने ये कहा कि भाई इस लड़के को मैं चाहती हूँ कि आप अपने ऑफिस से निकाल दीजिए। उनका इतना ज्यादा दबाव था कि मुझे इसे हटाना ही पड़ा। इसके बाद हानिया बहुत गुस्से में आती है और सीधे जाकर मेहर से सवाल जवाब करती है। यहाँ कंपनी का 14वां साल गिरा है और यहाँ पर सब लोग इकट्ठे भी हैं, पूरा घर सजा हुआ है। अब ये बात सरब को मालूम चल गई है कि मेहर गिल ने उसे नौकरी से हटवाया है। ऐसे में उसका गुस्सा सातवें आसमान पर था। अब यहाँ पर सीधे मेहर गिल के घर यानी कि आसमा के घर पहुंच जाता है सरब, जहाँ डेकोरेशन हुआ रहता है, सब चीज को खराब करता है सरब और सीधे धमकी देता है मेहर को और कहता है कि तूने मेरे साथ बहुत गलत किया, तू एक जट को नहीं जानती है, अगर मेरे साथ अब कुछ गलत की ना तू तो देख लेना मैं क्या करूंगा, सब कुछ खत्म कर दूंगा और बहुत गलत होगा। यहाँ पर अब इस तरीके से धमकी सुनकर सारे घर वाले डर जाते हैं और यहाँ पर तोड़ फोड़ कर सरब चला जाता है। यहाँ पर मेहर ये कहती है कि ज्यादा अगर तुम यहाँ परेशान करोगे तो मैं पुलिस बुला लूंगी। यहाँ सरब साफ कहता है किसी को भी बुला लो लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। देखना दिलचस्प होता है कि आगे शो में और कौन से दिलचस्प मोड़ देखने को मिलेंगे।